वेलकम टू योर ओन चैनल जेके नेट हब एग्ज़ाम स्टडी। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ट्वेल्थ बेस डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज GNM ANM एंड जो स्किम्स सोरा में कुछ कोर्सेज हैं उसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज। तो यहाँ पर एक ही एंट्रेंस होगा जिसके बेस पर आपको सभी कोर्सेज GNM और ANM में भी और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनमें भी यहाँ पर एडमिशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.jkbopi.gov.in पर जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर जैसे CET इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से, उसके बाद BEd कश्मीर, BEd जम्मू, नीट PG, नीट UG आयुष, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल कोर्स, ये BSc कोर्सेज हैं जो कि नीट के थ्रू आप एडमिशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज ट्वेल्थ बेस पर जो हो रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट 7th of May है। तो सबसे पहले इस पर आपको जाना है और यहाँ पर इधर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसे चूज़ करना है आपको। उसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा हमारे सामने जिसमें आपको दिया जाएगा कि ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट 17th अप्रैल 2021 से लास्ट जो डेट है वो 7th of May 2021 है। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट जो 7th May 2021 यहाँ पर बताई गई है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर होम, लॉगिन, एप्लीकेशन फॉर्म, मेक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो आपको राइट ऐसे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसे लेफ्ट आप जब इस पेज को स्क्रॉल करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको क्लिक करना है इस पर और ये एक नया पेज जो खुल के आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है अच्छे से और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो फोटोग्राफ होगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, विद नेम प्लेट डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटो। ये आप फ़ोटो खुद बना सकते हैं, उसके ऊपर ये लिख सकते हैं, ओके। साइज़ फ़ोटोग्राफ का जो होगा वो 10KB टू 50KB होना चाहिए। अगर आप जो कैमरे अपने फ़ोन से बना रहे हैं फ़ोटो तो उसमें अगर आपका जो है वो साइज़ फ़ोटो का बड़ा है तो आप गूगल में जस्ट वहाँ पर ऑनलाइन PDF या फिर जो इमेज का साइज़ रिड्यूज़ करने वाला, मतलब आप ऑनलाइन फ़ोटो साइज़ रिड्यूज़ आप सिर्फ टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, उससे आप साइज़ जो है कम कर सकते हैं अपने उस फ़ोटो का। उसके बाद जो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो होंगे वो भी JPG फॉर्मेट में होंगे, यानी कि फ़ोटो होगा उसका भी तो उसका साइज़ भी इसी में होगा। तो आप कैम स्कैनर से डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसे क्रॉप करके उसके बाद गूगल पर क्रोम में जाकर वहां से जाके आप उसका साइज़ रिड्यूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से कि ये अपलोड हो जाए 10KB और 50KB के बीच, ओके। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखनी है। यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो भी कैम स्कैनर प्ले स्टोर से जो ऐप है उसके थ्रू फ़ोटो लेना है आपको और PDF फॉर्म में सेव कर देना है और उस PDF को फिर जाकर साइज़ उसका जो है अगर ज़्यादा है तो उसे रिड्यूज़ करने के लिए आप गूगल में जस्ट जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ टाइप करना है कि PDF साइज़ रिड्यूज़र आ जाएगा कोई भी अच्छा सा देख के, उसमें से इस रेंज में आपको साइज़ उसका रिड्यूज़ कर लें डॉक्यूमेंट्स का अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसे मार्क करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो अप्लाई का नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई के लिए आप यहाँ पर करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंगल पेपर है तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप सभी ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर दीजिए, पैरामेडिकल के लिए भी, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, GNM, ANM और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, सभी जो है यहाँ पर सभी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके।
क्योंकि बाद में आपको नहीं मौका मिलेगा इन ऑप्शंस के लिए। कुछ स्टूडेंट्स पिछली बार भी 2020 में पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के लिए उन्होंने सिर्फ पैरामेडिकल चूज़ किया था तो वो नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सके, और नर्सिंग चूज़ किया था तो पैरामेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सके। तो कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद एज, जेंडर, जम्मू कश्मीर से आप रहते हैं या फिर बिलोंग करते हैं या फिर लद्दाख से, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुई वो डेट लिखनी है, कैटेगरी है तो वो, उसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो उसके लिए चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करना है, ईमेल एड्रेस देना है आपको कन्फर्म ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको वही ईमेल दोबारा से फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको देना है अपना, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, उसके बाद दूसरा एड्रेस, उसके बाद आपको हायर सेकेंडरी जो आपकी उसमें कितनी परसेंटेज है, ये स्कूल कौन सा, मतलब जो भी है बोर्ड वो आपको भरना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ जो है ये अपलोड करना होगा जिसका साइज़ हमने बता दिया और किस तरह से करना है, कैम स्कैनर जो ऐप है, कैम स्कैनर इससे आप फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर उसको क्रॉप करके उसे गूगल पर उसका साइज़ रिड्यूस करके अपलोड कर सकते हैं, उसी तरह ये फाइल्स सब कुछ करके, उसके बाद ये वेरिफिकेशन जो पेन है इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, इधर स्पेस नहीं देनी, जैसे ये कैपिटल है जेड, एक्स कैपिटल, एच कैपिटल, आर कैपिटल, एच कैपिटल और 3 लिखकर सिर्फ आपको सबमिट कर देना है। जब ये सबमिट कर देंगे आप तो एक नेक्स्ट पेज आएगा, उसमें आपको फिर से जो है वो अपनी डिटेल भरनी है या फिर आपका जो बन के आएगा अकाउंट, फिर जाके सीधा लॉग इन करके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है, ठीक है ना। जब ये बन जाएगा यहाँ से अकाउंट तो आपको फिर जाके लॉग इन करना है, लॉग इन यहीं पे जब बैक करोगे तो आपको यहाँ पर आप लॉग इन कर पाएंगे, आप कन्फर्म ये पेमेंट या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके फिर आपको क्या करना है, प्रिंट जो है कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फी सबमिट करेंगे वो आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, ओके। सो इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाकी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज में। सो गुड बाय।